नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था राजस्थान के दुर्ग, और दुर्गों में जिस दुर्ग का आज अध्ययन करेंगे उस दुर्ग का नाम दोस्तों आमेर का दुर्ग। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है, तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक के। और उससे पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और यदि आपने हमारे दुर्गों की और वीडियो नहीं देखी है तो बगल में आ रहे दोस्तों इन वीडियो को नीचे जाके वीडियो में से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आपको बता दोस्तों आमेर का दुर्ग है जयपुर में। दोस्तों आपको दोस्तों मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ दुर्गों के बारे में। आपको बता दूं दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है दोस्तों वो है जयपुर में। हाँ दोस्तों जयपुर में सर्वाधिक दुर्ग दोस्तों, यदि पूछ ले राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग दोस्तों तो बठनेर दुर्ग दोस्तों हनुमानगढ़ राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है दोस्तों, ठीक है। यदि पूछ ले दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों। दूसरा यदि पूछ ले तो जैसलमेर है दोस्तों। यदि पूछ ले दोस्तों चित्तौड़ का छोटा भाई तो दोस्तों रणथंभौर को कहा जाता है। यदि पूछ ले दोस्तों राजस्थान के ऐसे दुर्ग जो दोस्तों मिट्टी से बने हुए हैं तो दोस्तों पहला दुर्ग है बठनेर दुर्ग हनुमानगढ़, मिट्टी से बना दुर्ग दोस्तों। दूसरा है लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों भरतपुर, ठीक है दोस्तों, ये भी मिट्टी से बना है। तो आज चलेंगे दोस्तों हमारा आमेर का दुर्ग चलेंगे। इसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था, महाराजा मान सिंह ने करवाया था। इसी दुर्ग में दोस्तों जगत श्रोमणी मंदिर है, इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों शिला माता का मंदिर है, इसी जिले में दोस्तों मावटा झील है। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर, उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका दोस्तों जो निर्माण करवाया था आमेर दुर्ग दोस्तों है का पहले तो लिख लो आमेर है जयपुर में, कहाँ है जयपुर में लिख लेना दोस्तों जयपुर, कहाँ है जयपुर में है आमेर। आगे चलते हैं दोस्तों निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण, इसका जो निर्माण करवाया था निर्माण ये करवाया था महाराजा मान सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, ठीक है। किसने करवाया था, मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों मान सिंह ने, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों ये भी लिख लो दोस्तों सर्वाधिक दुर्ग दोस्तों जयपुर में है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग, सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में है, जयपुर में है, ठीक है दोस्तों। खाएं सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग। आगे चलते हैं दोस्तों आमेर का दोस्तों अरावली की काली को पहाड़ी पर एक स्थित गिरी दुर्ग है दोस्तों, ठीक है। तो लिख लो दोस्तों यह दुर्ग अरावली की, किसकी, अरावली की काली खो, कौन सी दोस्तों, काली खो पहाड़ी पर काली को पहाड़ी पर स्थित गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, गिरी दुर्ग है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित दोस्तों, ये अरावली की दोस्तों काली को पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों आमेर का दुर्ग। आगे चलते हैं दोस्तों इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है। इसी दुर्ग में दोस्तों शिला माता का मंदिर है, देखो दोस्तों यहां शिला माता का मंदिर है, शिला माता का मंदिर है। मान सिंह जीत के लेके आया दोस्तों बंगाल से, ठीक है। यहाँ पर शिला माता का मंदिर है, निर्माण मान सिंह ने करवाया था। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में है, यह दुर्ग दोस्तों अरावली की काली को पहाड़ी पर स्थित गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग दोस्तों, आमेर का दुर्ग दोस्तों जयपुर में है, कहाँ है जयपुर, निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था। और यहीं पर दोस्तों शिला माता का मंदिर भी है। आगे चलते हैं दोस्तों इसी दुर्ग के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर है, इसी दुर्ग में दोस्तों लिखो यही जगत शिरोमणि कौन सा दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर है। यह वही मूर्ति है, काले पत्थर की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, लिख लो दोस्तों यह वही काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है, या वही काले पत्थर की कृष्ण की मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, ठीक है, करती थी। जगत शिरोमणि मंदिर है दोस्तों आमेर दुर्ग जयपुर में, ये वही मंदिर काले पत्थर की वही मूर्ति है जिसकी पूजा दोस्तों कौन करती थी, मीराबाई करती थी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों इसी दुर्ग के अंदर सुहाग मंदिर है, कौन सा दोस्तों, सुहाग, या इसको दोस्तों सौभाग्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सौभाग्य,
हाँ दोस्तों, सौभाग्य मंदिर इसी दुर्ग में है दोस्तों, सौभाग्य मंदिर। इसके अलावा दोस्तों इसी दुर्ग में दोस्तों मावटा झील है, मावटा झील है, ठीक है दोस्तों, मावटा झील भी यही है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने दोस्तों दीवाने खास का निर्माण करवाया था, यही मिर्जा राजा जयसिंह ने दीवाने खास का निर्माण करवाया, दीवान ए खास का निर्माण करवाया, ठीक है दोस्तों, निर्माण करवाया, ठीक है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर है, यह वही कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। यहीं दोस्तों सौभाग्य सुहाग मंदिर है दोस्तों, इसी में दोस्तों मावटा झील है और इसी पर दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने दीवाने खास का निर्माण करवाया दोस्तों इसी दुर्ग में। वापिस से दोस्तों मैं दुर्ग को वापिस से दोहरा देता हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग दोस्तों जयपुर में है, खाएं दोस्तों जयपुर में, आमेर का दुर्ग दोस्तों जयपुर में, इसका निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था, ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था, महाराजा मानसिंह ने करवाया था। यह दुर्ग दोस्तों अरावली की कालीखो की फाड़ी पर स्थित गिरी दुर्ग है दोस्तों, कौन सा दुर्ग दोस्तों, आमेर का दुर्ग कालीखो फाड़ी पर स्थित है दोस्त, गिरी दुर्ग है दोस्तों। इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों शीला माता का मंदिर है, इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर है जिसकी पूजा दोस्तों वही मूर्ति है काले पत्थर के कृष्ण की जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी दोस्तों। इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों शीला माता का मंदिर है, इसी दुर्ग में दोस्तों सौभाग्य मंदिर है, सौभाग्य सुहाग मंदिर है, इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों मावटा झील भी है और इसी दुर्ग में दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने दीवाने खास का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है, इसको शीश महल का, ठीक है दोस्तों, दीवाने खास का निर्माण करवाया था दोस्तों। टॉपिक कैसे लगा, छोटा टॉपिक था दोस्तों, तो टॉपिक कैसे लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद दोस्तों।